प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखाग्नि दे रहे हैं और प्रणाम करते हुए इस चिता के इर्द गिर्द। ये क्षण किसी भी व्यक्ति के लिए माँ को खोना एक बहुत ही भावुक क्षण है और ये एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये किसी भी व्यक्ति के लिए माता पिता स्तंभ होते हैं और जिस शिक्षा की बात आप कर रहे थे आमोद जी, वो अनुशासन की शिक्षा जो उनके भीतर आत्मसात है वह माँ से ही सीखी है। प्रधानमंत्री मोदी की जो जननी है, नरेंद्र मोदी की जो जननी है हीराबा, उन्हीं से ही उन्हें ये सीख मिली और पूरा जीवन उन्होंने कर्म के आधार पर आगे बढ़ाया। अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दी। ये तस्वीरें आज पूरा दिन, जब तड़के सुबह ये खबर भी मिली कि 3:30 बजे हीराबा का निधन हो गया है, तब से ही ये शोकाकुल रहा, ये पूरा माहौल। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के ज़रिए ही उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया, उसके बाद ये बात सब तक पहुंची कि हीराबा अब हमारे बीच में नहीं है। और महत्वपूर्ण ये है निधि, आज के जिस तरीके से हम ये तस्वीरों के ज़रिए समझ पा रहे हैं उस रिश्ते को, उस लगाव को जो हर एक का अपनी माँ के साथ ज़रूर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी व्यक्तित्व, और मैं चाहूँगी अक्कू जी इस पर आप ज़रूर अपने विचार साझा करें, क्योंकि प्रधानमंत्री शांत स्वभाव से ज़रूर रहते हैं लेकिन ऐसे कई खास पल हैं जब हमने उनके अलग अलग भाव देखे हैं। कई बार वो मंच पर भावुक भी हम नज़र आए हैं और मुझे याद आता है मार्क जुकरबर्ग के साथ जब वो अपनी माँ का जिक्र कर रहे थे तब भी उनका गला भर आया था उनके बारे में जिक्र करते हुए, और उनके माध्यम से ही हम ये समझ पाए हैं कि कितना बड़ा योगदान उनके जीवन में उनकी माँ का रहा है। अक्कू जी, आप निश्चित रूप से एक ऐसा क्षण है जब उसको मतलब बार बार चीज़ें घुमट रही हैं। मैं एक चीज़ का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, जब पहली बार प्रधानमंत्री आवास पर हीराबा आई थी और जब वो जो चित्र जारी हुए थे कि प्रधानमंत्री उनको अपना गार्डन दिखा रहे हैं, उनके साथ टाइम व्यतीत कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं, और जो लेकिन उसके बाद जो टिप्पणी आई प्रधानमंत्री की, और कि माँ को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, माँ अपने घर में रहना चाहती है, अपने जगह पर रहना चाहती है, और मुझे लगता है वो पहली और आखिरी बार वो शायद वो आई थी। हमारे बाकी साथी भी इस बात की तारीफ करेंगे और फिर और, वो नहीं और, आई आकू जी, लेकिन आपने, जब जी एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि जो जीवन इस वक्त नरेंद्र मोदी इस वक्त जी रहे हैं वही जीवन उन्हें वही प्रेरणा जिस जीवन की मिली है वो अपनी माँ से ही मिली है। और हमारे साथ विष्णु पांड्या जी भी जुड़ गए हैं। मैं आऊँगी आकू जी आपके पास। विष्णु पांड्या जी हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पांड्या जी, निसंदेह अपनी माँ को खोने का दुख इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख होता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री समय समय पर इस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में अपनी माँ का जिक्र ज़रूर करते हैं और वो बताते हैं कि कितनी प्रेरणा उन्हें मिली है अपनी माँ से। वो सात्विक जीवन होना या वो निष्ठा के साथ अपना कर्म करना या फिर समर्पण के साथ अपना अपने काम को आगे बढ़ाना, जिस कर्म की बात वो करते हैं वो उनकी माँ से ही उन्हें प्रेरणा मिली है। आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बात सही है। एक मातृदीप बुझ जी नरेंद्र मोदी के लिए नहीं लेकिन बहुत से बेटों के लिए, पूरे देश के, उनके लिए भी प्रेरणास्पद थी। मैं एक बात बताऊं कि आज नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व इतना वैश्विक बन गया है, इसका कारण क्या है? तो उसका एक कारण उनका बचपन है, और बचपन में जब माता जी उनको एक लोरी सुना दे करती थी, वो हमारे यहाँ एक जवेरचंद मेघाणी नाम के बड़े कवि हो गए, उन्होंने एक लोरी लिखी थी शिवाजी नु आलरडो जी। आलरडो माने लोरी, और शिवाजी महाराज जब बचपन में बिल्कुल बेसहारा थे तब माता जीजाबाई ने किस प्रकार पाला पोषा, उसका ये गीत है। तो हीराबाई हीराबेन ने ये हीराबा ने ये अपने नरेंद्र बचपन के नरेंद्र को सिखाया था किस प्रकार आगे बढ़ना है संकटों में, संघर्षों में, विपत्तियों में, आपत्तियों में, और मोदी ठीक ढंग से उसी रास्ते पर चले। और आज तक उन्होंने अपने मातृदेवो भव की एक बात
अपने ढंग से एक प्रतिष्ठापित की है, और इसका असर केवल उनके जीवन पर नहीं है, पूरे देश के सभी बच्चों पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं निधि। मैं ये साझा भी कर देती हूँ, जब हमने देखा प्रधानमंत्री ने खुद ये शब्दों के माध्यम से हमें वाकिफ कराया था कि कैसे सुबह सुबह वो सारे काम निपटा लिया करती थी, गेहूँ पीसना हो, बाजरा पीसना हो, कुछ भी काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियाँ ही गुनगुनाती थी, जिसका जिक्र अभी यहाँ पर विष्णु जी ने किया, जल कमल छांडी जाने बाला स्वामी अमारो जागेश, वो बहुत पसंद करती थी प्रसिद्ध भजन, और एक लोरी भी हमेशा माँ गुनगुनाती रहती थी। ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि आज हम जितना हीराबा के बारे में जान पाए हैं, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में जान पाए हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से ही।